टायर फार्मिंग। भू प्रताप कहकर एक किसान एक बार उस गांव के जमींदार के पास जाकर, जमींदार जी, पिछले बार किराया पर लिए खेत में गन्ने का फसल अच्छा आया था, ये लीजिए आपका हिस्सा, कहकर उनको पैसे दिया। तब जमींदार वो पैसे लेकर, नहीं नहीं, वजन कम लग रहा है प्रताप, और भी ज्यादा देना है। जमींदार जी, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, वाटर पंप और कीटनाशक दवाई, ऐसा इन सब के लिए बहुत खर्चा हो गया है जी। ऊपर से सबका दाम भी बढ़ गया है जी। वो सब खर्चा होने के बाद जो भी बचा था वो मैं आपको दे रहा हूँ जी। देखो प्रताप, खेत तुम्हारा है या मेरा है, एक्स्ट्रा बातें मत करो, ठीक है? मैं जो पूछता हूँ उसे देना है बस, नहीं तो चले जाओ, लेकिन ऐसे बेकार की बातें मुझसे नहीं करना। माफ कीजिए मालिक, फायदे के बिना मेरे जेब में से पैसे देना है तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। अरे वाह, बड़े अच्छे से बोला है। ठीक है, इस बार खेत किसी और को किराए पर देता हूँ, तुम चले जाओ, कहकर उसको भेज दिया। ऐसे प्रताप उस गांव के बड़े बड़े लोगों के पास जाकर उनसे मिलकर उनका खेत किराए के लिए पूछा। अरे बाप रे, तुमको देना है? तुम तो जमींदार जी को ही कुछ बोला है कहकर सुना, ऐसा उनको ही बोला तो कल हमको नहीं बोलेगा कहकर क्या गारंटी है? जाओ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें किराए पर नहीं देता हूँ मेरा खेत। ऐसे प्रताप गांव के बाकी लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई भी उसे खेत किराए पर नहीं दिए। उस रात को प्रताप को क्या करना है समझ में नहीं आकर घर में सोचते हुए बैठा हुआ था। तब उनकी पत्नी बात जानकर, सुनिए जी, कोई भी खेत किराए पर नहीं देने से भी कोई परवाह नहीं है, किसी न किसी दिन आप खुद खेत खरीदो, आपका खुद का खेत रहेगा तो फिर इन सबको जवाब देने की जरूरी नहीं होगी। ठीक है, कहकर सो गया। अगले दिन सुबह प्रताप गांव में ऐसा घूम रहा था, तब गांव के बाहर एक स्क्रैप दुकान वाले के पास कुछ पुराने और खराब हुए टायर्स दिखाई दिए। तब प्रताप उनको देखकर, अरे वाह, ये टायर्स तो मुझे काम आएंगे लग रहा है, सोचकर स्क्रैप वाले के पास जाकर, भैया, ये पुराना और खराब हुए टायर्स, अगर आपको इनका जरूरत नहीं है तो क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? बिल्कुल ले लो भाई, लेकिन मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता हूँ। तब प्रताप उनको थोड़े पैसे देकर उन टायर्स को लिया और उन टायर्स को उनके घर के आंगन में बगीचे में रखकर उनमें मिट्टी डालकर बीज बोजा और हर दिन सुबह उन टायर्स के मिट्टी में पानी डालने लगा। और कुछ ही दिन में उन टायर्स में से पौधे निकलने लगे। तब पत्नी ये देखकर, अरे वाह जी, परसों तक आप उन टायर्स में बीज बोझकर पानी डाल रहे हो, ये देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आपका विचार के लिए बहुत बहुत बधाई हो, अब से लेकर मैं भी गांव में घूमकर खराब हुआ टायर्स को लेकर आती हूँ। कहकर पत्नी हर रोज जहाँ भी उनको खराब हुए टायर्स दिखाई देते थे तो उनको लाकर पति को देती थी। फिर प्रताप उन टायर्स में मिट्टी डालकर बीज बोझकर पानी डालता था। ऐसे कुछ ही दिनों में उन टायर्स में आलू, टमाटर जैसे सब्जी उगाकर मार्केट में बेचने लगे। ये बात जानकर गांव में सब बड़े लोग प्रताप के ये सोच के लिए हैरान होकर उनका खूब तारीफ करने लगे और उस गांव का कलेक्टर भी ये टायर फार्मिंग के बारे में जानकर प्रताप का आदर किया।